हेलो डियर किड्स टुडे वी विल डू फिल इन द ब्लैंक्स ब्लैंक मीन्स खाली ब्लैंक मीन्स खाली फिल मीन्स भरो खाली जगह को भरो तो वो हम कैसे करेंगे मैम हैज़ ड्रॉन सम पिक्सर ओके एंड वन साइड आई हैव रिटर्न नेम्स ओके नंबर्स के नेम्स यहाँ पर मैम ने राइट कर रखे हैं बट लुक केयरफुली मैम हैज़ लेफ्ट स्पेस है ना मैम ने स्पेस छोड़ा हुआ है बिटवीन द स्पेलिंग्स है ना मैम ने क्या कर रखा है स्पेस छोड़ रखा है कई जगह पर ध्यान से देखो यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी है ना हर स्पेलिंग में मैम ने स्पेस छोड़ा हुआ है तो आज हम इसी स्पेस को भरेंगे ओके अच्छा आपको स्पेलिंग्स तो लर्न हो गई होंगी मोस्टली बच्चों को तो जिनको स्पेलिंग्स आती हैं वो इसको इजीली कर देंगे ओके और मैंने यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं वो किस लिए कि आपको एक क्ल्यू मिल जाए कि मैम ने यहाँ पर कौन सी स्पेलिंग राइट की है ओके आप इसको पहले काउंट करोगे फर्स्टली वी विल काउंट द ऑब्जेक्ट ओके एंड देन फिल द स्पेस ओके लेट्स काउंट स्टार्ट करें दिस इज अ ट्री यह ट्री है और सिर्फ मैम ने एक ही बनाया है है ना ओनली वन तो इसका मतलब क्या हुआ इट मीन्स वी विल राइट हेयर स्पेलिंग ऑफ वन ओके आई हैव रिटर्न ओ एंड ई ऑलरेडी है ना मैंने लिख रखा है तो ओ और ई e तो मैंने लिख रखा है अब आप सोचो कि वन की स्पेलिंग क्या है थिंक फास्ट जल्दी सोचो एंड टेल मी वट वी विल राइट हेयर वट वी विल राइट हेयर फास्ट वेरी गुड ओ ओ से नेक्स्ट क्या आएगा एन है ना ओ एन ई वन राइट हेयर एन एन ई वन स्पेलिंग ऑफ वन तो यहां पर जो हमें राइट करना था वो है हमारा लेटर एन ओके नेक्स्ट नाउ काउंट द पेंसिल्स वन टू थ्री स्पेलिंग ऑफ थ्री ओके टी एच आर आई हैव रिटर्न है ना मैम ने टी एच आर लिखा हुआ है थ्री की स्पेलिंग में क्या लेफ्ट है टी एच आर डबल ई थ्री टी एच आर डबल ई थ्री नेक्स्ट इज एफ आई ई एफ आई ई है ना फाइव कुछ बच्चे जिनको लर्न है ना वो इजीली समझ जाएंगे कि यहाँ पर हमें फाइव की स्पेलिंग राइट करनी है यहाँ पे मैम ने किसके लिए ब्लैंक छोड़ा है ओके और कुछ बच्चे जिनको समझ ना आए बेटा वो ऑब्जेक्ट्स को काउंट करके समझ लेना कि ये किस नंबर का नेम है ओके वन टू थ्री फोर फाइव फाइव स्माइलीज़ आर है ना फाइव स्माइलीज़ हैं नाउ थिंक अबाउट द स्पेलिंग ऑफ नंबर फाइव एफ आई वी फाइव एफ आई वी फाइव तो वी विल राइट हेयर e okay next there are some stars one two three four five six seven we will write here spelling of seven okay some letters i have already written what is left think about it s e v e s e v e n सेवन स्पेलिंग इज कंप्लीटेड ओके नेक्स्ट मैंगोज है ना पिक्स ऑफ मैंगोज नाउ काउंट द मैंगोज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो ये किसकी स्पेलिंग है सिक्स की विच लेटर इज विच लेटर्स आर हेयर कौन से लेटर्स हैं एस और एक्स विच इज लेफ्ट कौन सा लेफ्ट है आई है ना राइट है आई एस आई एक्स सिक्स एस आई एक्स सिक्स तो पता चल गया आपको कि जो मैम ने छोड़ रखा है जिस लेटर के लिए स्पे, स्पेस छोड़ा है ना वही लेटर आपको राइट करना है ओके नाउ वी विल काउंट कप्स ओके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट है यहाँ पे एट कप्स हैं ओके स्पेलिंग ऑफ एट दिस इज है ना दिस इज स्पेलिंग ऑफ एट ई आई जी एच टी एट तो ये हमारी हो गई स्पेलिंग्स कंप्लीट ओके आपको भी ऐसे ही घर पर प्रैक्टिस करनी है फिल इन द ब्लैंक्स आपको करने हैं नंबर्स यहाँ पे मम्मा राइट कर देंगी आपकी ब्लैंक्स के साथ ओके नंबर नेम्स और आपको फिर क्या करना है उनमें जो स्पेस मम्मा ने छोड़ा हुआ है उनमें आप लेटर लिख दोगे ओके okay?